इंदौर नगर निगम द्वारा गांधी हॉल में आयोजित रीयूज मेले का समापन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुआ। सांसद और निगम आयुक्त ने अंतिम दिन मेले का अवलोकन कर वेस्ट से बेस्ट बनाने वाले कलाकारों की हौसला अफजाई की। इंदौर नगर पालिका निगम द्वारा गांधी हॉल में रीयूज मेले का आयोजन किया गया था। इस मेले में शहर के कई कलाकारों ने वेस्ट मटेरियल से बनाई गई वस्तुओं को प्रदर्शन और बिक्री के लिए रखा था। यहां कलाकारों ने अनुपयोगी चीजों को जिस तरीके से उपयोगी बनाया है उसे देखकर हर कोई चकित रह गया। यही वजह रही कि 3 दिवसीय इस मेले को लेकर शहर में अच्छी खासी चर्चा बनी रही। मेले के समापन के अवसर पर सांसद शंकर लालवानी और नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल भी पहुंची। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच रीयूज मेले का समापन किया गया। इस मौके पर आयुक्त प्रतिभा पाल ने कहा कि इंदौर 3 बार के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। इसी तर्ज पर नगर निगम द्वारा अनुपयोगी सामान से तरह तरह की उपयोगी वस्तुएं बनाने वाले शहर के कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए मेले का आयोजन किया गया। मेला है तो बेसिकली जो इंदौर का 3R डिक्लेरेशन है जिसमें रिड्यूस रीयूज रिसाइकलिंग की बात की जाती है उसी के संबंध में है, और इसमें शहर के बहुत सारे ऐसे कलाकारों ने हिस्सा लिया है जो क्रिएटिविटी से वेस्ट चीज़ों से अच्छी चीज़ें बनाते हैं। इसके अलावा स्वसहायता समूह की महिलाओं ने हिस्सा लिया है जिन्होंने अलग अलग चीज़ें बनाई हैं। बेसिकली इसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, उसका इस्तेमाल कैसे अच्छे तरीके से करना है ये सामने वाले की रचनात्मकता पर निर्भर करता है। तो ये 3R मेले ने ना सिर्फ इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया है बल्कि शहर को ये बताने का भी प्रयास किया है कि कचरा बेकार नहीं जाता है।